नशे का शौक पूरा करने के लिए वाहन चुराने वाली गैंग के 3 आरोपी गिरफ्तार। किशनगंज थाना पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट के जरिए केंद्रीय कारागार से 3 को किया गिरफ्तार। अदालत ने किया पेश, फिर से भेजा गया जेल। किशनगंज थाना पुलिस ने वाहन चोरी के मामले में 3 आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट से केंद्रीय कारागार से गिरफ्तार किया है। 3 आरोपी डुप्लीकेट चाबी बनाकर 2 पहिया वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देने में माहिर हैं, जिनके खिलाफ विभिन्न थानों में वाहन चोरी के कई प्रकरण दर्ज हैं। पूछताछ में 3 ने नशे का शौक पूरा करने के लिए चोरी की वारदातों को अंजाम देना बताया है। किशनगंज थाना पुलिस ने 3 आरोपियों को कोर्ट में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भिजवा दिया है। किशनगंज थाने के हेड कांस्टेबल गोविंद शर्मा ने बताया कि 28 मई को बद्र विद्यालय के पास से स्कूटर चोरी हुई थी। इस मामले में नया बाजार निवासी पीड़ित श्याम सुंदर की ओर से मुकदमा दर्ज करवाया गया था। पुलिस टीम ने मुकदमा दर्ज कर टीम का गठन कर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। हेड कांस्टेबल ने बताया कि मामले में कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट से जेल से गिरफ्तार किया है। आरोपी ब्यावर निवासी 21 वर्षीय प्रकाश और सुनील काठार, ब्यावर निवासी लोकेश सेन और परबसर निवासी 22 वर्षीय राधेश्याम नायक है, जिनसे चोरी की गई स्कूटी भी बरामद कर ली गई है। 3 करीब 1 महीने से नशे का शौक पूरा करने के लिए इस तरह की चोरियों को करते आ रहे हैं। पुलिस ने 3 आरोपियों को कोर्ट में पेश कर फिर से जेल भिजवा दिया है। विद्यालय के पीछे कॉलोनी है, उससे 3 मुलजिमों ने स्कूटर चोरी किया था, एक्टिवा। इस मामले में प्रोडक्शन वारंट के जरिए कल 3 मुलजिमों को गिरफ्तार किया था जेल से। आज इनको वापस माननीय न्यायालय में पेश किया है। क्या नाम है? एक मुलजिम है प्रकाश काठात, ब्यावर का है, दूसरा लोकेश सेन ब्यावर, और तीसरा राधेश्याम नायक है जो परबसर का है। पूर्व में भी इनके खिलाफ 8-8, 10-10 मुकदमे हैं, और सारे मोटरसाइकिल चोरी और चैन स्नैचिंग के मुकदमे दर्ज हैं इनके खिलाफ। इनको पूर्व में जो है आदर्श नगर थाने ने गिरफ्तार किया था, जिसके बाद जेसी करवाया इनको, और कल प्रोडक्शन वारंट के जरिए इनको गिरफ्तार किया है। माल बरामद हो गया? बिल्कुल, जो चोरी की गई थी एक्टिवा वो मैंने जब्त कर ली है।